अंजना जी, यह पति की शादी यह फिल्म एक अटपटा सुनने में लग रहा है। कैसे कोई पत्नी अपने एक पति की शादी करवा, क्यों नहीं करवा सकती? अगर अगर कुछ प्रॉब्लम है घर में और उसकी दूसरी शादी कराने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो करा सकती है। पति की शादी सुनने में कुछ अटपट लग रहा है। एक्चुअली ये फिल्म का मेन सरप्राइज पैकेज है वो जी। पति की शादी, एक तो सत्य है कि यानी कि वो शादीशुदा है, उसके बाद फिर हीरो की शादी हो रही है, तभी तो पति की शादी होगी। ऑलरेडी वो शादी है, तब किया है, तभी तो पति है। तो सारी कहानी का ताना बाना इसी पे है कि पति की शादी होती है और वो पति की शादी तो, बट ऑब्वियस ऐसा लग रहा है कि पति की कोई पत्नी है जो अपनी पति की शादी करवा रही है, लेकिन उसमें कैसे ट्विस्ट एंड टर्न और कैसे चीजें थोड़ी सी अजीब होती है, मतलब क्या मजबूरी रहती है जो अपनी पति की शादी करवाती है, तो इसी बेस पे ये फिल्म है। और पति का शादी शूटिंग हो रही है और इस फिल्म का जो समाज में जाए तो समाज में का इसका, देखिए ये फिल्म जो है एमएमपी क्रिएशन बना रही है जी और हरिश्चंद्र कनौजिया जी इसके जो है प्रेजेंटर हैं, जी प्रोड्यूसर हैं। फिल्म का तो काम मनोरंजन करना होता है, जी तो ये फिल्म भी मनोरंजन करेगी। पति की शादी का कोनो ऐसा पत्नी है कि जो अपने पति की शादी करा सकेले? नहीं, यह में का होता, पति की शादी तो ना करा सके, लेकिन कोनो ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे क्योंकि बच्चा ना हो तो सोचा कि हमारे भाई इनकर आगे का घर चलक चाहिए, तो चला दूसरे से हो जाए तो अच्छा रही, वो समझ के भी हो जाता। और कभी कभी बाहर ऐसे पति कमाए गल हैं, वो प्यार हो गया, तब अगर वो प्रेगनेंट हो गया तो कोई घरे ले चला है, तो फिर यूँ मेहरारू आपस में अगर समझ लेते हैं तो शादी करा देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गौर लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुँचल बानी यूपी के संत कबीर नगर के बालू शासन गाँव में, और बालू शासन गाँव में पति के शादी फिल्म का शूटिंग होत बा, और जोने में आपके बतावत आनी हमारे साथ है अभिनेत्री अंजना सिंह, हमारे साथ बात करब। बहुत बहुत स्वागत है अंजना जी। थैंक यू अंजना जी। यह पति की शादी यह फिल्म एक अटपटा सुनने में लग रहा है, कैसे कोई पत्नी अपने एक पति की शादी करवा, क्यों नहीं करवा सकती? अगर अगर कुछ प्रॉब्लम है घर में और उसकी दूसरी शादी कराने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो करा सकती है। उसको लेकर के समाज में क्या संदेश जाएगा? क्या संदेश जाएगा? अच्छा ही संदेश जाएगा। अब आजकल वैसे भी लोग चार चार पांच पांच पत्नियां रख रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, अगर लीगली तरीके से एक पत्नी अपना ये डिसीजन ले रही है तो उसमें क्या गलत है? क्या ये होना चाहिए कि अगर पति गलत है तो पति की शादी, पति पति की शादी करा सकती है? नहीं, अगर अपने हिंदू धर्म में तो ऐसा ही है, जब तक अपनी वाइफ का परमिशन ना हो और वाइफ एग्री ना करे तब तक हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वाइफ तो एग्री कर रही है शादी करने के लिए और वो करा रही है, और कुछ रीज़न है जिस वजह से वो करा रही है जो कि हम आपको नहीं बता सकते, वो आप सिनेमा देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यह जो शूटिंग हो रही है, जो इसके डायरेक्टर कौन है? संत राम जी डायरेक्टर हैं इसका। और देखा जा रहा है कि इसमें आप क्या किरदार क्या है इस पिक्चर में? मेरा किरदार इसमें है दूसरी वाइफ का। दूसरी वाइफ, यस। आप दूसरी वाइफ बन करके आप इसमें शादी पे होती है? शादी होती है मेरे से ही शादी होती है। डॉक्टर साहब, यह जो फिल्म यहाँ पे संत कबीर नगर के आपके गांव बालू शासन आपके मुख्य आवास पे हो रही है, पति की शादी सुनने में कुछ अटपट लग रहा है। एक्चुअली ये फिल्म का मेन सरप्राइज पैकेज है वो जी। पति की शादी, एक तो सत्य है कि यानी कि वो शादीशुदा है, उसके बाद फिर हीरो की शादी हो रही है, तभी तो पति की शादी होगी। ऑलरेडी वो शादी है, तब किया है, तभी तो पति है। तो सारी कहानी का ताना बाना इसी पे है कि पति की शादी होती है और वो पत्नी ही अपने पति की शादी कराती है। ऐसा सरकमस्टांसेज होता है, ऐसा माहौल बनता है कि वो पत्नी मजबूर होकर के अपने पति की शादी कराती है। देखा जाता है इसको समाज में लेकर के, इस पति की शादी को लेकर के जब इस पिक्चर रिलीज होगी तो संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि मतलब जैसे आजकल पुरुष प्रधान देश है,
लेकिन महिलाएं भी अब बहुत, आजकल हाईटेक जमाना है, मॉडर्न युग है, लेकिन अभी जो ये पहली पत्नी है वो एकदम गांव की बहुत ही, मतलब एक तरह से सती अनसुईया के ज़माने के ख्यालों वाली है वो। उसके लिए उसकी पहली प्राथमिकता है उसके पति की खुशी, उस पति की खुशी के लिए, और पति की खुशी किसी और औरत में है तो वो अपने श्रद्धा भक्ति के साथ उसकी शादी उसके साथ करवाना चाहती है। फिर वहाँ पे उसको आत्मज्ञान होता है कि नहीं, ये मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। जो आजकल लोग हाईटेक मॉडर्न जमाने की तरफ भाग रहे हैं, और हर वो उस पति के लिए एक मैसेज है कि अगर आप खुशी अपने घर में ढूंढेंगे तो वो खुशी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप बाहरी पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागेंगे तो आपकी लक्ष्मी घर की जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आएगी। तो ये है कि मतलब वो अपने जैसे होता क्या है कि अभी मान लीजिए कोई पति है, अगर वो पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका पति कहीं किसी अन्य रिलेशन में आ जाता है तो पत्नी वहाँ पे क्या करती है कि वो कानून का, रोक का, झगड़ा, झंझट, मारपीट, कानून का सब दाव पेच बताती कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन इसमें जो नायिका है वो अपने प्यार से, अपने सतीत्व से, अपने प्यार की सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए फिर अपने पति को वापस लाती है और मजबूर करती है कि उसका पति उसको फिर से प्यार करे और हद से ज़्यादा प्यार करे। स्वागत है काजल जी। जी, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी काजल जी, पति की शादी, ये सुनने में कुछ अटपटा ऐसा लग रहा है। हाँ, मेरे पास जब ये स्क्रिप्ट आई थी और जब मैंने इसका टाइटल सुनी थी तो मेरे लिए भी बहुत अटपटी सी थी है कि मतलब इसमें होगा क्या जी? मतलब पति की शादी तो, बट ऑब्वियस ऐसा लग रहा है कि पति कोई पत्नी है जो अपनी पति की शादी करवा रही है, लेकिन उसमें कैसे ट्विस्ट एंड टर्न और कैसे चीज़ें थोड़ी सी अजीब होती है, मतलब क्या मजबूरी रहती है जो अपने पति की शादी करवाती है। तो इसी बेस पे ये फिल्म है और बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको इसमें, और पूरी पारिवारिक फिल्म है ये। अभिनेता के रूप में आपके साथ काम कौन पर? मेरे साथ हैं डॉक्टर जी माधव राय जी और अंजना सिंह जी हैं और फिर मनोज टाइगर जी हैं और ऐसे काफ़ी सारे कलाकार हैं इसमें। बगल में बतासा चाचा जी बाटा, बहुत बहुत स्वागत बा सर जी। थैंक यू भैया। ये जो फिल्म पति की शादी शूटिंग हो रही है और इस फिल्म का जो समाज में जाए तो समाज में का इसका? देखिए, ये फिल्म जो है एमएमपी क्रिएशन मना रही है जी, और हरिश्चंद कनौजिया जी इसके जो है प्रेजेंटर हैं, प्रोड्यूसर हैं। फिल्म का तो काम मनोरंजन करना होता है जी, तो ये फिल्म भी मनोरंजन करेगी जी। अश्लीलता रहित है, अब भोजपुरी सिनेमा से अश्लीलता हट गया, साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बनती हैं, तो ये पारिवारिक फिल्म है, मनोरंजन करेगी दर्शकों। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, हम चैनल सभी दोस्तों भाई बहनों को नमस्कार करते हैं। और क्या खबर जो पिक्चर का शूटिंग संत कबीर नगर में होता, पति की शादी का कोनो ऐसा पत्नी है कि जो अपने पति का शादी करा सके ले? नहीं, यह में कहा होता पति की शादी तो ना करा सके, लेकिन कौन ऐसा प्रॉब्लम होता जैसे क्योंकि बच्चा ना हो तो सोचा कि हमारे भाई इनकर आगे का घर चलक चाहिए, तो चला दूसरे से हो जाए तो अच्छा रही, वो समझ के भी हो जाता। और कभी कभी बाहर ऐसे पति कमाएगा लहन वह प्यार हो गया, तब अगर वो प्रेगनेंट हो गया तो घरे ले चला आए, तो फिर यूँ मेहरारू आपस में अगर समझ लेते हैं तो शादी करा देते हैं। तो ये फिल्म में यह सीन्स था ऐसा। और यहाँ पे अभी देखा गया है कि जो ये गांव देहात में ये शूटिंग हो रही है और इसको लेकर के आम समाज को क्या असर जाएगी? आम समाज में तो ये असर जाएगी जैसे कि भाई सामने वाले के अपने पति के प्रदेश अगर भेजी हैं तो उनके बारे में उनके शंका हमेशा बना रही कि कहीं भाई वहूँ का खेन कह लें, यह में थोड़ा सा ही असर जाए, लेकिन ये अच्छा लगी सबके देखा में, उसका स्टोरी अलग हो, सस्पेंस हो, देखिए तो उनके वो अलग लगी कि हाँ नाइट पिक्चर बना। और अभी तक आप इस फिल्मी दुनिया में कितने फिल्मों में काम किए हैं? फिल्म देखा सर, हम बॉलीवुड में कम से कम 5-7 मूवी है, मराठी भी है 3-4 पिक्चर, और भोजपुरी भी अपन 8-9 पिक्चर हो चुका। भोजपुरी में कितने फिल्मों में काम किए हैं जो सुपर हिट डुपर? जैसे सैया सुपर स्टार पवन सिंह का हमें एक डॉक्टर का करेक्टर करे, और खेसारी जी के साथ में करे दुल्हन गंगा पार के हो में डॉक्टर बी एन राय, और डॉक्टर बी एन राय का बन जाते हैं डॉक्टर माधव राय हीरो के रूप में कैसे आते हैं, पूरी कहानी पूरी बातचीत आपसे हुई।
उन्होंने बताया कि माता पिता का सपना था कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन डॉक्टर बने और डॉक्टर के साथ साथ और मेरा एक सपना और था कि मैं एक्टिंग एक्टर बनूं, और जिसको लेकर कि आज हीरो के रूप में आप काम कर रहे हैं। बनल है चैनल के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, राम राम।